सबसे पहला है स्लिप ऑफ द टंग, जबान का फिसलना, मतलब गलती से कुछ कह देना, कुछ बोल देना, मुंह से अचानक से कुछ निकल जाने को बोला जाता है स्लिप ऑफ द टंग। जैसे आप किसी से बात कर रहे और बात करते करते आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना था, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग, मतलब मेरी जबान फिसल गई थी, मैं ये कहना नहीं चाहता था, ये अचानक से मेरे मुंह से निकल गया। I did not say that I'll give you my shirt. It was a slip of the tongue. मैंने नहीं कहा मैं तुम्हें अपना शर्ट दूंगा, मेरी जबान फिसल गई थी, यानी ये गलती से अचानक से मेरे मुंह से निकल गई थी। One slip of the tongue would have ruined my career. एक जबान का फिसलाव मेरी करियर बर्बाद कर देती। I did not want to say that. It was a slip of the tongue. मेरी जबान फिसल गई थी, मैं ये नहीं कहना चाहता था, यानी ये अचानक से गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो ये है आज का हमारा पहला idiom, स्लिप ऑफ द टंग, यानी जबान का फिसलना, अचानक से गलती से मुंह से कुछ निकल जाना, कुछ कह देना। दूसरा है बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब होता है खुद को, अपने आप को कुछ बात कहने से रोकना। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आपका कोई फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे मिलाने लाया हो और उसकी गर्लफ्रेंड दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं हो, मोटी काली, और आप अपने फ्रेंड को बोलना चाहते थे तेरी गर्लफ्रेंड तो बदसूरत है, लेकिन आपने खुद को ये कहने से रोक लिया। तो ऐसे ही अपने आप को कुछ कहने से रोक लेने को बोला जाता है बाइट योर टंग। आई वॉन्टेड टू टेल माई फ्रेंड हिज गर्लफ्रेंड वॉज अगली बट आई बिट माई टंग। मैं अपने दोस्त को बताना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड बदसूरत थी, लेकिन मैंने खुद को क्या किया, मैंने खुद को रोक लिया। आई हैड टू बाइट माई टंग व्हेन शी सेड दैट शी वॉज हार्ड वर्किंग। मुझे खुद को रोकना पड़ा जब उसने कहा वो मेहनती है। It is better to bite my tongue than say something nasty about someone else. किसी और के बारे में कुछ बुरा कहने से अच्छा है कि मैं खुद को रोक लूं। तो ये है हमारा दूसरा idiom, bite your tongue, मतलब कुछ कहने से खुद को, अपने आप को रोकना। तीसरा है at a snail pace. क्या आपको पता है snail क्या होता है? अगर आपको पता होगा snail क्या होता है तो ये idiom लगभग आपको समझ आ गया होगा। स्नेल एक एनिमल होता है जिसे हिंदी में घोंगा बोला जाता है। वो दीवारों में चिपका हुआ होता है जो कि एक्सट्रीमली बहुत स्लो मूव करता है, बहुत धीरे चलता है। तो एट अ स्नेल पेस का मतलब होता है बहुत स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आपने अपने फ्रेंड को कोई काम दिया करने को और वो उसे बहुत ही स्लो कर रहा हो, उसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो, समय ले रहा हो, तो आप उसे बोल सकते हैं You are working at a snail pace. मतलब तुम बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहे हो। I will never come to this restaurant again. They serve the food at a snail pace. मैं ये रेस्टोरेंट दोबारा कभी नहीं आऊँगा, वो बहुत स्लो खाना परोसते हैं, यानी वो लोग खाना परोसने में, खाना देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। Today internet is working at a snail pace. आज इंटरनेट बहुत स्लो काम कर रहा है। तो ये है हमारा तीसरा idiom, at a snail pace, यानी बहुत स्लो, extremely स्लो। चौथा है get cold feet, पांव ठंडे पड़ जाना। अब पांव ठंडे कब पड़ जाते हैं? जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो get cold feet का मतलब होता है कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, आत्मविश्वास की कमी की वजह से कोई काम करने से पहले डर जाना, घबरा जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आप इंटरव्यू के लिए गए और इंटरव्यूअर को देखकर आप डर गए, घबरा गए, तो आप बोल सकते हैं आई गॉट कोल्ड फिट आफ्टर सीइंग द इंटरव्यूअर। मैं इंटरव्यू लेने वाले को देखकर डर गया, घबरा गया, यानी मैं इंटरव्यूअर को देखकर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, आत्मविश्वास की कमी की वजह से डर गया, घबरा गया, मेरे पांव ठंडे पड़ गए। शी गॉट कोल्ड फिट बिफोर हर वेडिंग। वो अपने शादी से पहले डर गई, घबरा गई, शादी से पहले उसके पांव क्या हुए, उसके पांव ठंडे पड़ गए, यानी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो घबरा गई। तो ये है हमारा चौथा idiom, गेट कोल्ड फिट, यानी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, आत्मविश्वास की कमी की वजह से कोई काम करने से पहले डर जाना, घबरा जाना। नेक्स्ट है बर्ड ब्रेन। बर्ड ब्रेन का मतलब होता है अ फुलिश और अनइंटेलिजेंट पर्सन।
एक मूर्ख या ना समझ इंसान। जैसे आप अगर कोई मूर्ख या ना समझ इंसान को देखते हो जिसे पता ना हो कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे रहना है, कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, कहाँ पे कैसे बात करना है, तो आप उसे बोल सकते हैं बर्ड ब्रेन, यानी मूर्ख इंसान, ना समझ इंसान। शी इज ए बर्ड ब्रेन, वो एक मूर्ख, एक ना समझ लड़की है। देर आर सम पीपल इन द गवर्नमेंट दैट आर बर्ड ब्रेन, कुछ लोग हैं सरकार में जो मूर्ख है, ना समझ है। ही इज नॉट अ बर्ड ब्रेन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो मूर्ख ना समझ नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान है। तो उम्मीद है गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से और पूरे दिल से इंग्लिश सीखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।